हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीवन विल बी ओके। दिस बेसिकली हमारी जो ज्योग्राफी सीरीज एनसीईआरटी का क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर है, इसमें बेसिकली क्या हम रिसोर्स इन डेवलपमेंट, एट्थ क्लास की एनसीईआरटी में रिसोर्सेज हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। उसमें रिसोर्सेज की भी एक काइंड ऑफ पेरीफेरल बेसिकली डिवीजन था। इसमें हम डिटेल डिवीजन देखेंगे और प्लस रिसोर्स कैसे किसी कंट्री या रीजन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं उसके ऊपर बात होगी, ठीक है। उससे पहले देख लीजिए कि रिसोर्सेज का वो बेसिकली सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमल और रैशनल यूज बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज क्या होगा। दैट कैन सीन बाय दिस कोट मिस्टर महात्मा गांधी द फादर ऑफ अवर नेशन, कह रहा देयर आर सफिशियंट रिसोर्सेज ऑन दिस प्लेनेट टू आंसर द नीड ऑफ ऑल बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई एवरी वंस ग्रीड। यानी कि गांधी जी कह रहे हैं कि रिसोर्स अर्थ एज ए प्लानट, इस पर सफिशियंट रिसोर्सेज हैं सबकी नीड फुलफिल करने के लिए, लेकिन इंडिविजुअल ग्रीड कैन बी डिस्ट्रॉय द बैलेंस बिटवीन रिसोर्सेज एंड नीड। ओके, मीन्स सो विद दिस ऑप्टिमिस्टिक कोट हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखिए रिसोर्सेज बेसिकली किस तरीके से यूटिलाइज किए सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए एवरी थिंग अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट कैन बी यूज सेटिस्फाई अवर नीड, यानी कि हर चीज़ से जो भी चीज़ इन्वायरमेंट में अवेलेबल है वो हमारी नीड सेटिस्फाई की, दैट इज़ अ रिसोर्सेज, ठीक है। बट अब रिसोर्सेज को मोर एंड मोर अप्लीकेबल कैसे बना सकता है, विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल असेसबिलिटी, यानी कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, यानी कि उस रिसोर्स का जब हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कॉस्ट ज़्यादा हो जाए और यूटिलिटी कम हो जाए, ठीक है। कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी, कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब होता है दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड कम्युनिटी। ऐसे नहीं मान लीजिए ट्राइबल एरिया के सारे फॉरेस्ट हमने क्या किए, बेसिकली कमर्शियल के लिए यूज कर लिए, अब क्या हुआ वहाँ सर्वाइवल टफ हो गया, किसका, बेसिकली जो नेटिव कम्युनिटी है एंड ट्राइबल का, ठीक है। मूव ऑन। अब देख लिए, थोड़ा डिवीजन पढ़ लेते हैं रिसोर्सेज का। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आते हैं, रिन्यूएबल आते हैं, नॉन रिन्यूएबल आते हैं। फिर कॉन्टिग्यूस में देख लिए, जो हम ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं, देज आर विंड एंड वाटर। बायोलॉजिकल देख लीजिए, नेचुरल फॉरेस्ट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड बर्ड्स। ओके, अब देखिए ह्यूमन वाला डिवीजन देख लीजिए, ह्यूमन एज रिसोर्सेज, क्वालिटी एंड क्वान्टिटी, स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। रिसाइकलिंग वाले मेटल देख लीजिए, नॉन रिसाइकलिंग फॉसिल फ्यूल। तो दिस इज़ द ओवरऑल बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। इधर देखिए, अब बेसिकली जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं ना, उनका ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन ज़रूरी होता है विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और दैट इज़ बेसिकली टेक्नोलॉजी से क्या होता है, ह्यूमन इंटरेक्ट करता है विद नॉलेज अवेयर स्किल एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन। ह्यूमन बींग इंटरेक्ट विद द नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेसिकली जो रिसोर्सेज होते हैं उनका एक इफिशेंट से यूज करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है, ठीक है। दैट विल हेल्प इन फाइनली सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन और नेशन, ठीक है। मूव ऑन। अब देखिए रिसोर्स का जो बेसिकली डेवलपमेंट में किस तरीके से यूटिलाइजेशन होता है। रिसोर्स आर वाइटल, देखिए रिसोर्स आर वाइटल ह्यूमन सर्वाइवल की नीड के लिए, फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट बिलीव द रिसोर्स आर गिफ्ट ऑफ नेचर। ओके, बट इस गिफ्ट को अगर आप इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करोगे, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्यू हैंड, तो इनक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी। और इनडिस्क्रिमिनेशन यूज बेसिकली क्या होगा, जो अर्थ की सस्टेनेबिलिटी है उसमें डेंजर आएगा, ठीक है। डेंजर मींस अर्थ की जो कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर आप बेसिकली एक्सप्लॉइट कर लोगे तो एक इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, दैट विल डिस्ट्रॉय होल इकोसिस्टम। ओके, अर्थ एज प्लैनेट। अब देख लीजिए, हाँ लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्या करना है बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हमें जो अर्थ पे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका इस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है और डेवलपमेंट करना है विदाउट, देखिए विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड नॉट कम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ओके, मूव ऑन। अब देखिए इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एफर्ट में कुछ सबमिट्स हुई, देखिए
रियो डी जुनारियो अर्थ समिट, ये रियो जुनारियो है ब्राज़ील में। ओके, इसमें बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंजर्वेशन प्रैक्टिस के लिए बात की गई है, ठीक है। इसमें एक नया कंसेप्ट था एजेंडा 21। एजेंडा 21 मीन 21st सेंचुरी, यही क्वेश्चन पूछे, 21st सेंचुरी के लिए कुछ गाइडलाइंस पर्टिकुलर जो भी इन्वॉल्विंग नेशन थे उनके लिए दी गई, ठीक है। इट डिक्लेयर, देखिए, इट डिक्लेयर दैट द साइन वर्ल्ड लीडर्स 1992 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट डेवलपमेंट विच टुक प्लेस इन रियो जुनारियो एम टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब बेसिकली इसमें क्या था, जो 2021 था ना, बेसिकली 21st सेंचुरी के लिए हर कोई नेशन अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक एजेंडा और ड्राफ्ट तैयार करेगा, ठीक है, और उसी पे काम करेगा। बट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किसने दिया, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट, एज अ ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज प्रोवाइडेड बाई दिस समिट 1992 अर्थ जियो डिजनरियो इन ब्राजील। ओके, आगे देखिए, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल, यानी कि इक्विटेबल, ऐसा नहीं कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स कुछ लोगों के पास 90% रिसोर्सेज है, कुछ लोगों के पास 10% रिसोर्सेज है, तो उससे क्या होगा, रिसोर्स डिफिसिट क्रिएट हो जाएगा। जब रिसोर्स डिफिसिट क्रिएट होगा तो स्ट्राइफ होंगे, सोशल एट्रोसिटीज होंगी, सो एंड सो ऑन। ओके, अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि रिसोर्स का जुडिशियस तरीके से यूज करने के लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब देखिए प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग इज अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, इट इज़ इम्पोर्टेंट इन द कंट्री लाइक इंडिया विच हैज इनरमोस्ट डाइवर्सिटी ऑफ, यानी कि प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स की डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत है। कैसे, देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल झारखंड, छत्तीस, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश रिच मिनरल रिसोर्सेज हैं, अरुणाचल प्रदेश एंड हिमालयन स्टेट वाटर रिसोर्सेज हैं, राजस्थान सोलर एंड विंड रिसोर्सेज हैं, लद्दाख बेसिकली जियो थर्मल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, यानी कि कंट्री लाइक इंडिया द स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएशन ऑफ रिसोर्सेज वेरी फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी और गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि प्लानिंग के रिसोर्स की प्लान रिसोर्स का बेहतर तरीके से यूज करने के लिए कि इंडिया में किस तरीके से प्लानिंग की जा रही है, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, इट अ कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज, क्यों, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन, बिकॉज जो वेरिएबिलिटी है ना, अनइवननेस ऑफ द रिसोर्सेज विद इन द कंट्री बहुत ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है। आगे देखिए, इवॉल्विंग प्लानिंग, प्लानिंग स्ट्रक्चर होगी, किस तरीके की प्लानिंग होगी, रीजनल, नेशनल एंड सो ऑन, मैचिंग, बेसिकली मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट की पेस है इंडिया में विद ह्यूज डेमोग्राफिक बर्डन यू कैन से दैट, तो उसकी नीड को सर्वाइवर करने के लिए इट इज़ वेरी टफ हो जाता है कि रिसोर्स और प्लस उनकी नीड, रिसोर्स और ह्यूमन नीड को बैलेंस करना, ठीक है। आगे चलिए, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स नेसेसरी कंडीशन डेवलपमेंट, हाँ, यानी कि अगर रिसोर्स, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ, अगर डेवलपमेंट किसी रीजन, पर्टिकुलर रीजन या नेशन कम्युनिटी का करना है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी, अदरवाइज क्या होगा, रिसोर्स डिफिसिट हो जाएगा, यानी कि इम्बैलेंस डेवलपमेंट हो जाएगा, जैसे बुंदेलखंड इन फॉर पर्टिकुलर स्टेट लाइक यूपी देख लीजिए, ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी में डेवलपमेंट ज़्यादा है, बट सेम एज वेस्टर्न यूपी में इधर क्या नाम, बुंदेलखंड, रोहेलखंड एंड बघेलखंड रीजन में डेवलपमेंट कम है, क्यों, बिकॉज वहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिसोर्स का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री ऑफ, अब बेसिकली देखिए हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजर रिवील्स दैट द रिच रिसोर्स ऑफ कोलोबर द मैन करेक्टर, यानी कि जो रिचनेस ऑफ रिसोर्सेज थी दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कॉलोनाइजिंग कंट्री, फॉर एग्जाम्पल इंडिया से वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल ले जाते थे, जैसे आयरन, कोल एंड कॉटन। ओके, देयरफोर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकंपनीड बाय अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, यानी कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी के साथ ही रिसोर्सेज का ह्यूमन डेवलपमेंट में, यानी कि पर्टिकुलर रीजन के डेवलपमेंट में प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या है, बेसिकली अगर जो रिसोर्स का बेसिकली अगर
यूटिलाइजेशन है अबव द लिमिट हो जाएगा तो फिर किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है, रिसोर्स कंजर्वेशन। गांधी ऑलरेडी मेंशन दैट देर इज इनफ ऑन दिस प्लैनेट, वी ऑलरेडी डिस्कस इन अवर ओपनिंग लेक्चर ओपनिंग स्लाइड, तो दैट इज सेम। अब देख लीजिए, डिफरेंट एफर्ट लिए गए हैं विद इन इन 1970s, फ्रॉम 1970 टिल नाउ। देखिए, फर्स्ट एफर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कब बात की गई, क्लब रोम सिस्टमैटिक बे 1968। ये वैसे ही क्लब था जिसने क्या किया, रिसोर्स के कंजर्वेशन की बात की फर्स्ट टाइम। उसके बाद देर इज अ बुक मिस्टर सुमाकर, गांधीन फिलोसफी नॉन बैलेंस दैट इज स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ओके, उसके बाद ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987, इसने भी सस्टेनेबल डेवलप की फर्स्ट टाइम इसने बात की। तो ब्रेटलैंड डेवलपमेंट कमीशन टॉक्स अब फर्स्ट टाइम, दैट इज अ ब्रेटलैंड कमीशन, इसने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की। फिर उसके बाद देखिए, इसी ने एक रिपोर्ट दी अवर कॉमन फ्यूचर, हाँ ठीक, यानी कि अवर कॉमन फ्यूचर दैट फर्दर लीड टू अ कॉमन प्लानट। ओके, उसके बाद ये अर्थ की जो क्या नाम, अर्थ संबंध रियो डिजेनेरियो ब्राजील 92, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें बेसिकली क्या हुआ, पर्टिकुलर ने हर के जो पार्टिसिपेटिंग नेशन थे उनके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया, उसे बोला एजेंडा 21, यानी कि 21st सेंचुरी में हर कोई अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ड्राफ्ट तैयार करेगा। और उसका बेसिकली जो ड्राफ्ट का बेसिकली एक तरीके से लीडर होगा वो इस सबमिट से उसका कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब लैंड यूटिलाइजेशन, बेसिकली इंडिया में लैंड यूटिलाइजेशन या पर्टिकुलर रीजन में लैंड यूटिलाइजेशन किन किन तरीकों से होता है, देखिए फॉरेस्ट, ठीक है, लैंड नॉट कल्टीवेटेड बैरन आइड लैंड, लैंड नॉट एग्रीकल्चर, ओके, अनकल्टीवेटेड लैंड, परमानेंट पास्चर, यानी कि दे आर लैंड यूज, यानी कि मान लो किसी पर्टिकुलर में 100 एकड़ है तो उसमें क्या क्या है, समथिंग लाइक दैट। लैंड ऑन मिसलिनियस ट्री, ओके, फॉलो लैंड, ओके, अदर फॉलो लैंड, ठीक है, ये डिफिनीशन देख लीजिए। करंट फॉलो जो एक साल से कम ऐसी कल्टीवेट नहीं किया, अदर देन करंट 1 से 5 साल, यानी कि अगर करंट फॉलो का क्या मतलब है, अगर लैंड एक साल कल्टीवेट नहीं होती है तो उसे करंट फॉलो कहते हैं और दूसरी साल हो रही है, लेकिन अदर देन करंट फॉलो 1 से 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है नॉन कल्टीवेशन का। ठीक है, आगे देखिए। अब नेट सोन एरिया जहाँ पे कल्टीवेशन होता है, ठीक है, ओके। अब देखिए, द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया किस पे डिपेंड करेगा, टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड रिवराइन एंड सो एंड सो ऑन, ओके, टेक्नोलॉजी, इफिशेंसी एंड ह्यूमन एज अ रिसोर्सेस। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, ये बेसिकली स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बेसिकली क्या किया है, 1961 से 2014-15 कंपेरिजन किया गया, किस तरीके से बेसिकली जो लैंड यूज है वो चेंज हुआ है। देखिए, फॉरेस्ट बढ़ा है, ठीक है, 1951 में क्या था, 1861 था, अब देखिए 23.3 हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद ये बैरन आइलैंड, ये कम हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर, ये बढ़ा है, ठीक है, इस तरीके से थोड़ी लिटिल इंडस्ट्री करना है लिटिल। अब देखिए, ये एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, ठीक है, ये ओके, एरिया अंडर परमानेंट, ये वाला देख लीजिए, ये कल्टीवेटेड एरिया, ये देखिए लगभग बड़ा है, थोड़ा बड़ा, ज़्यादा नहीं। इस तरीके से स्लाइड का पूरा स्टडी कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन बना सकते हैं कि आफ्टर 51 ये कल्टीवेटेड वाला लैंड का बड़ा है, उसके बाद फॉरेस्ट बड़ा है, या फिर क्या नाम, वेस्ट लैंड बड़ा है, ग्रेजिंग बड़ा है, एंड सो ऑन, ओके। जो नेट सोन एरिया है ये बेसिकली देखिए 60 में कितना था, 45.26, अब कितना, 45.5%, ओके, तो लिटिल इंक्रीज हुआ, नॉट अ मोर देन। जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन 1951 से बढ़ी उस हिसाब से बेसिकली जो कल्टीवेटेड लैंड है वो इंक्रीज नहीं हुई है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए, टोटल जियोग्राफिक एरिया हमें पता ही है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया का, ठीक है, ओनली 93% ऑफ जियोग्राफी का लैंड यूज और रिमेनिंग 9% स्टिल नॉन यूज, यानी कि जो लैंड यूज में केवल 93% ही एरिया बेसिकली यूज में है, रिमेनिंग 7% स्टिल नॉन यूज है, ठीक है। अब देखिए, पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया, यानी कि जो नेट सोन एरिया के पैटर्न है, देखिए पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में अराउंड 80% है, ओके, बट देखिए 10% इन बेसिकली ईस्टर्न स्टेट,
सेवन ईस्टर्न स्टेट और निकोबार अंडमान। ओके, तो बेसिकली जो नेट सोन एरिया है उसकी वेरिएबिलिटी भी वेरी हाई है, यानी कि जो प्लेन्स एरिया है उसमें ज़्यादा है और जो क्लाइमेटिक हार्स एरिया है उसमें बेसिकली नेट सोन एरिया कम है। ठीक है, अब फॉरेस्ट यूज देख लीजिए। बेसिकली फॉरेस्ट की जो हमने 1950 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई थी उसके अंदर टारगेट रखा था 33%, लेकिन अब भी हम न्यू स्टेटिक्स के बाद 0.45% तक ही पहुंच पाए, यानी कि अब भी हम जो हमने टारगेट 1952 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर टारगेट पुट किए थे उनको हम अब भी तक अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, मूव ऑन। अब देखिए कंटिन्यू यूज ऑफ लैंड ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम विदाउट टेकिंग होगा। अब भी सिंपल, हाँ, यानी कि अगर लैंड का भी अगर इरेशनल तरीके से यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा, लैंड प्रॉब्लम होगी, फिर बेसिकली क्या करना, तो क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब देखिए कौन कौन सी लैंड डिग्रेडेशन और लैंड इरेशनल यूज की प्रैक्टिसेस हैं। देखिए सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, यानी कि ह्यूमन मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, क्वारिंग। ओके, माइनिंग से क्या, माइनिंग किस किस रीजन में, मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया, देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। उसके बाद देखिए ओवर इरीगेशन वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, ओवर इरीगेशन, ये ओवर ग्रेजिंग वाले देख लिए गुजरात, महाराष्ट्र, बट ओवर इरीगेशन वाले रीजन देख लिए पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी एंड सो ऑन। ओके, अब देखिए सम प्रैक्टिसेस हमें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी क्योंकि हमने ऑलरेडी लैंड एज अ रिसोर्स को डिग्रेड कर दिया। अफॉरेस्टेशन यानी कि प्लांटेशन करना, प्लांटेशन बेल्ट लगाना, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड डून, ओके, चेक डैम्स बनाना और ट्रीटमेंट, और यानी कि जो इंडस्ट्रियल और म्यूनसिपल वेस्ट है उसका प्रॉपर तरीके से रिसाइकल, रीयूज एंड रीशप्स करना, यानी कि जो R3 फार्मूला उसको अडॉप्ट करके उसको दोबारा वाटर को रिसाइकल करके यानी कि डेली लाइफ में रोटेट करना है। ठीक है, अब देखिए सोयल, एट्थ क्लास में ऑलरेडी हम सोयल डिटेल में कवर कर चुके हैं, लेकिन इसमें फिर भी देखिए यहाँ बेसिकली सोयल के टाइप्स बताए गए हैं और थोड़ा उनका जियोग्राफिकल प्रेजेंस और उनकी यूटिलिटी और उनमें ह्यूमस कंटेंट एंड पेडीग्राफ थोड़ा लिटिल एक्सटेंट टाइप है। तो देख लीजिए सोयल इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचर सोर्स, इट इज़ अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ओके, यानी कि सोयल ही वो कंपोनेंट ऑफ द अर्थ है जो बेसिकली प्रॉपर लाइफ, प्रॉपर बेसिकली वेजिटेशन एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करता है। ठीक है, आप देख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्री रिसर्च, इंडिया में कितनी टाइप की सोयल हैं, 8 टाइप्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी सोयल है, एलुवियल सोयल यानी कि रिवराइन डिपोजिट सोयल 40%। ओके, अब ये कहाँ कहाँ बनती हैं, अभी ऑलरेडी कवर्ड इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा की बेसिकली प्लान्स में, लिटिल बिट कोस्टल में देख लीजिए, कोस्टल प्लान्स में देख लीजिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी की कोस्टल प्लान में। ठीक है, इधर देख लीजिए, उसके बाद इनका आउट डिवीजन देख लीजिए। ओके, अब बेसिकली जो जैसे मान लीजिए ये रिवर है, एक ये रिवर है और ये फुटेल्स पे ब्रेक हो रही है और ये दूसरी रिवर हो गई, ये फुटेल्स पे ब्रेक, तो ये रीजन होते हैं ना, इनको द्वार से या छोज बोलते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में द्वार, छोज, ये बेसिकली वेरी रिच एंड फर्टाइल रीजन्स होते हैं, जैसे पंजाब में द्वार से छोज एंड तराई एंड सोवान। ओके, आगे देखिए जो न्यू एलुवियल होते हैं ना उनको बेसिकली खादर बोलते हैं और जो ओल्ड एलुवियल होते हैं भांगर बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी हम ऑलरेडी कवर कर चुके, फिर भी देख लीजिए। ठीक है, आगे देख लीजिए, हाँ, अब देखिए एलुवियल ऑयल में क्या क्या बेसिकली फर्टिलिटी क्यों ज़्यादा होती है, इसमें बेसिकली जो एडिक्वेट पोर्शन ऑफ पोटास, फास्फोरस एंड लाइम होता है, प्लस जो नाइट्रोजन होता है, जो लिग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं उनके नाडुल्स में वो नाइट्रोजन फिक्सन कर दे रहा है, जो बीम वगैरह, तो इससे नाइट्रोजन की भी अवेबिलिटी प्राप्त होती है, दैट्स वाई दे आर मोर फर्टाइल लाइक क्रॉप्स लाइक शुगर केन, पैडी एंड बीट एंड सो ऑन। ओके, मूव ऑन। अब देखिए ब्लैक सॉयल, दे बेसिकली बेसाल्टिक रॉक होती हैं, यानी कि बेसाल्टिक वाली होती हैं। ठीक है, कॉटन के लिए बहुत फेमस होती हैं, क्यों, वाई, इनकी देख लीजिए डेक्कन प्लेटू, कहाँ कहाँ इनका रीजन देख लीजिए, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र,
मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड साउथ ईस्ट, सो एंड सो वन। ओके, अब देखिए, ब्लैक सोयल आर एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल, यानी कि इनके जो बेसिकली जो क्या नाम मटे वो क्या नाम सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। दे हैव वेरी लेस पोरोसिटी, यानी कि वाटर की फिल्ट्रेशन पावर कम होती है, दस बाई दे हैव हाई रिटेंशन मॉइस्चर। ओके, उसके बाद देख लीजिए सॉइल न्यूट्रिएंट में कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटास लाइम, क्योंकि ये इग्निस रॉक होती हैं, डेफिनेटली मिनरल रिच रॉक्स होती हैं। ठीक है, ये थोड़ा डिवीजन देख लीजिए, ये देखिए कॉटन, सॉरी ये देख लीजिए कॉटन वाला एरिया हो गया, ये देख लीजिए बेसिकली रिवर ऑलिवियल वाला एरिया हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ लेते हैं, फिर बात करते हैं स्लाइड पे। ठीक है, आगे देख लीजिए, अब थर्ड नंबर वाली है रेड सॉयल। ठीक है, रेड सॉयल, रेड सॉयल बेसिकली जो इग्नस रॉक है ना पेनिसुलर प्लेटू, उनका मेटामॉर्फिक रिक्रिस्टलाइजेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, इग्नस रॉक का क्रिस्टलाइजेशन हुआ मेटामॉर्फिक फॉर्म में, उन्हीं से ये बनी। ठीक है, ये कहाँ कहाँ होती हैं, सदर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू रीजन देखिए, उड़ीसा छत्तीसगढ़ सदर्न पार्ट एंड मिडिल गंगा एंड जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। ओके, अब इनमें क्या होती है, जो रेडिस कलर होता है वो आयरन की क्रिस्टलाइन के कारण होता है, यानी कि जो रेडिस कलर होता है Fe O3, यानी कि आयरन का जो आयरन ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड होता है उसके कारण होता है। ठीक है, मूव ऑन, अब लैटराइट सोइल देख लीजिए, लैटराइट सोइल बेसिकली जहाँ हाई रेन या प्रेसिपिटेशन होता है, ओके, वो लैटराइट सोइल होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है ना, जो बेसिकली जो क्या नाम फर्टाइल कंटेंट फर्टाइल कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, जैसे मान लीजिए ये सोइल का एक सेक्शन है, ठीक है, तो ज़्यादा प्रेसिपिटेशन के कारण लीचिंग हो जाती है, यानी कि लीचिंग हो जाती है, तो जो बेसिकली जो जैसे मान लो एल्यूमिनियम की, ठीक है, जो भी और जो भी मिनरल लिच होते हैं वो लीच हो जाते हैं नेक्स्ट वाली लेयर में, तो जो ऊपर वाली लेयर होती है एसिडिक हो जाती है, तो लैटराइट सॉइल एसिडिक होती हैं क्योंकि जो बेसिकली जो फर्टाइल मटेरियल होते हैं वो अंदर वाली लेयर में लीच हो जाते हैं, यानी कि नीचे चले जाते हैं, तो पीएच इनकी लेस देन 6 होती है। ठीक है, लैटराइट मींस ब्रिक, यानी कि ब्रिक फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करती हैं, स्पेशली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। अब देखिए इंडिया में इनकी लोकेशन कहाँ है, देखिए वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड सम पार्ट ऑफ द बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, बेसिकली जहाँ बरसात मोर एंड अबव 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, वहाँ ये वाली बेसिकली ये वाली सॉइल लैटराइट सॉइल अवेलेबिलिटी पाई जाती है। देखिए जहाँ बेसिकली जहाँ ह्यूमस रिच होता है, ह्यूमस रिच एंड ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा, वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, बट जहाँ ड्राई कंडीशन होता है वहाँ इस तरीके की वेजिटेशन सपोर्ट नहीं होती है। ठीक है, ओके, हाँ, बट रेड सॉइल में क्या होता है, तमिलनाडु वाइल रीजन में, एक मिनट, हाँ, लेकिन रेड सॉइल में क्या होता है, तमिलनाडु रीजन में क्या होती है, कैसूनट इनकी एबिलिटी, और आंध्र प्रदेश केरला वाले रीजन में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए एरिड सॉइल, एरिड सॉइल बेसिकली नाम ही से एकदम क्लियर है, बेसिकली ये सैंडी सॉइल होती हैं और जहाँ बेसिकली जो प्रेसिपिटेशन कम होता है और बेसिकली इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इनकी होराइजन में, कैल्शियम कार्बोनेट वाली लेयर स्ट्रांग होती है और ऊपर सैंडी होती है, बट प्रॉपर अगर प्रॉपर इरीगेशन प्रैक्टिसेस की जाएँ, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल फॉर राजस्थान, तो उससे देखिए जो राजस्थान का जो सदर्न एरिया है जहाँ जहाँ ये कैनाल इस तरीके से जो इंदिरा गांधी कैनाल है, इंदिरा गांधी कैनाल जो राजस्थान के जैसे जो जिस जिस एरिया से जाती है वहाँ बेसिकली अगर प्रॉपर तरीके से कैनाल सिस्टम डेवलप किया जाए तो इस रीजन में भी एग्रीकल्चर प्रॉपर तरीके से हो सकती है। ठीक है, एग्जांपल इंदिरा गांधी कैनाल का डेवलपमेंट। ठीक है, अब फॉरेस्ट सॉइल देखिए, फॉरेस्ट सॉइल बेसिकली हिमालयन रीजन में या हिल रीजन है वेस्टर्न घाट रीजन में पाई जाती है, इनकी प्रोफाइल थिन होती है, वी ऑलरेडी स्टडीड। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, बेसिकली जो फॉरेस्ट अडेप्टिव क्रॉप होता है, अडेप्टिव क्रॉप होती है, उन्हीं का कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है,
ओके द सोयल फाउंड लोअर पार्ट ऑफ द वैली पार्टिकुलर इन द रिवर टेरेसेस एलुवियल फैंस एंड फर्टाइल, यानी कि जो माउंटेन के फोटेल्स में सोयल पाई जाती हैं वो फर्टाइल्स होती हैं, ठीक है। अब देखिए सोयल का इरोजन, कुछ नेचुरल फैक्टर हैं कुछ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर हैं, ठीक है। इरोजन वाला देख लीजिए, देखिए इरोजन प्रैक्टिस क्या क्या है, डिफोरेस्टेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग वाइल नेचुरल, गली इरोजन यानी कि बैड लैंड टोपोग्राफी, फिर चंबल रीजन ड्यू टू हाई फ्लो ऑफ द रिवर्स, ओके। आगे देख लीजिए सीट इरोजन, सीट इरोजन या फ्लड इरोजन बेसिकली क्या होता है ना, जो पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज़्यादा डाउनपोर होता है और वो रीजन अगर एरिड है यानी कि एरिड मीन्स लूजन मटेरियल है, तो अब सॉइल की ऊपर की पूरी पूरी लेयर ही इरोड हो जाती है, उसको क्या होते हैं सीट इरोजन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये पर्टिकुलर रीजन है, अब यहाँ बहुत ज़्यादा डाउनपोर होगा, बहुत ज़्यादा डाउनपोर होगा, तो ये पूरी लेयर ही इरोड हो गई, यानी कि जो बेसिकली फर्टाइल ऊपर वाली लेयर थी, फर्टाइल लेयर वो पूरी ही इरोड हो जाती है, ठीक है। कुछ फॉल्टी प्रैक्टिस होती हैं, जब हम प्लॉइंग करते हैं तो अपोजिट द स्लोप प्लाइंग कर देते हैं, उससे क्या सेम मटेरियल इरोड होता है, ठीक है। मूव ऑन, अब देखिए कुछ हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रिप क्रॉपिंग करनी चाहिए, ठीक है, सेल्टर बेड्स बनानी चाहिए, ओके, सैंड डूज बनाने चाहिए, स्पेशली ये दीज आर सम प्रैक्टिसेस जिनकी हेल्प से हम क्या करें सोयल इरोजन सोयल डिग्रेडेशन को ट्रैप कर सकते हैं, ओके। तो ये बेसिकली थोड़ा लेंदी चैप्टर हो गया, लेंदी डिस्कशन हो गया, इसमें बेसिकली सबसे पहले रिसोर्सेज की बात की हमने, फिर हमने रिसोर्स का किस तरीके से डेवलपमेंट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर उसके बाद हमने लैंड एज रिसोर्सेज देखा, उसके बाद सॉइल और रिसोर्सेज देखा, फिर उनकी इंडिया में प्रेजेंस प्लस प्रेजेंस के साथ साथ उनका यूटिलाइजेशन एंड उनका रोल, और उसके बाद उनका डिग्रेडेशन यानी कि उनका इरेशनल यूज हो रहा, फिर डिग्रेडेशन की प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं, और फिर कंजर्वेशन की भी हमने बात की। तो ओवरऑल ये हमारा फर्स्ट टेंथ का ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का फर्स्ट डिस्कशन कंप्लीट हो गया। आई होप गाइज यू लाइक द डिस्कशन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड माई वीडियोज, सो दैट विल motivate me for making more and more beautiful, innovative and informative video. Thank you for watching.